नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न 2023-24 किस प्रकार से हमको फाइल करनी है। सभी सरकारी कर्मचारी जिनकी इनकम सैलरी से है, इस वीडियो की सहायता से 10 मिनट मात्र में अपनी इनकम टैक्स है वो घर बैठे फाइल कर सकते हैं। अब कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड पूरे की पूरी प्रोसेस दिखाएंगे जिससे कि आप रिटर्न भर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में प्राइवेसी के लिए हम जो ब्लर ऑप्शन है उसको भी काम में लेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति की जो पर्सनल सूचनाएं हैं वो हम पब्लिक में नहीं दिखा सकते, इसलिए हम कुछ डाटा है उसको ब्लर करेंगे जिससे कि आपको जो सारी जो प्रोसेस वो समझ में भी आ जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जो साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इसके लिए हमको चलना होगा हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि साथियों, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने गूगल क्रोम खोल रखा है। गूगल क्रोम में सबसे पहले जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2.0, इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला जो लिंक है इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ आता है। यहाँ पर लॉगिन का बटन दिया हुआ है, यहाँ आप करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आपको जो आईडी पासवर्ड है वो अपना पैन नंबर है, पैन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए जो इंटरफेस है वो यहाँ, ये सबसे पहले डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, आप चाहे तो यहाँ से इनको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर ऑफ एंडेड 31 मार्च 2023। असेसमेंट ईयर है 23-24 का। तो इस पर हम सबसे पहले फाइल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। इससे पहले जो टैक्स रिटर्न भरने से पहले हमको जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो कर लेने हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें हमारे सामने जो व्यू 26AF का जो फोरम है इसको हमको डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि हमको ये पता रहे कि जो हमारे डीडीओ ने टैक्स से डिडक्शन करवाया है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार की जो ऑप्शन है वो आपको मिलेंगे यहाँ। तो यहाँ पर ट्रेसेस के द्वारा ये फॉरम 26AS उसके बाद में आप यहाँ जो डिटेक्ट हुआ वो टेस्ट टैक्स है वो आप यहाँ मिला लेंगे। जितना टैक्स आपने डिटेक्ट करवाया है उतना ही टैक्स आपके 26AS में सेव होना चाहिए। उसके बाद में जो असेसमेंट ईयर है उसको यहाँ आपको चूज कर लेना है। फिलिंग का मोड है वो आपको ऑनलाइन रखना है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जो इंटरफेस आपके सामने वो कुछ ऐसा होगा। यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग ऑफ सबमिशन। यदि आपने पहले से डाटा कुछ ऐड कर रखा है तो आप वो यहाँ शो कर देगा। अगर आप फ्रेश फिलिंग करना चाहते हैं इनकम टैक्स की तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने भी पहले से कोई डाटा सेव नहीं कर रखा, मैंने जो फ्रेश रिटर्न है वो भरूंगा, तो आप इसके लिए यहाँ क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू द प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ इंडिविजुअल, HUF और अदर्स, तो यहाँ जो व्यक्तिगत जो ITR भरते हैं उनके लिए आप यहाँ इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यू नीड टू चूज द ITR फॉर्म टू प्रोसीड। ये जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैलरी पर्सन के लिए यहाँ लागू होता है ITR 1, तो ITR 1 हम यहाँ चूज कर लेंगे। उसके बाद में हम दाखिल हो चुके हैं जो फॉरम है, तो यहाँ पर हमको
ये दिखाई देगा कि फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज इंटरेस्ट ETC एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। तो ये सारी कंडीशन यदि आपके लागू होती है तो आप ITR फर्स्ट फिल करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो रिटर्न है वो तीन हिस्सों में भरी जाएगी। सबसे पहले जो प्रीफिल डाटा है वो आप चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे समरी को और वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ हम शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले फॉर्म नंबर 16 पास में रखना है। हाउस रेंट की रिसिप्ट यदि हमारे पास है तो हमको वो पास में रखनी है। इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट जैसे LIC है, UPLI है, वो भी हमको पास में रखनी है। उसके बाद में आप यहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहां से आप जो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो आप इसको यहां सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू है, उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अपना जो प्रीफिल्ड डाटा है उसके लिए ओके करवा रहा है, तो वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कन्फर्म दैट द डिटेल ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। तो यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन में जो डाटा है वो फिलअप किया जाएगा जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ से आपकी जो रिटर्न है वो शुरू होती है। सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल है उसको मैच करेंगे। पर्सनल डिटेल में हमारा नाम, पैन नंबर, ये सारी की सारी हम चाहें तो एड्रेस है, इसको हम यहाँ से एडिट कर पाएंगे। यहाँ से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो भी आपके लगता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे केस में यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक कर्मचारी है तो उनके लिए मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सेक्शन है 139 फर्स्ट यहाँ लागू होगा, तो इसलिए 139 फर्स्ट हम यहाँ चूज कर लेंगे। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, यदि आप नई जो टैक्स स्लेब है उसको लेना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज आप यहाँ नो कर दें। उसके बाद में बैंक डिटेल की बात आती है, तो बैंक डिटेल में जो एक अकाउंट आपका जुड़ा होना चाहिए रिफंड के लिए, तो वो यहाँ से आप ऑन कर दें कि जो भी आपका रिफंड बने वो उसमें ऑटोमेटिक रिफंड हो जाए। तो ये डाटा है, इसको कन्फर्म करता हूँ। कन्फर्म करते ही जो डाटा है सारे के सारे यहाँ कन्फर्म्ड लिखा जाएगा। उसके बाद में बात आती है ग्रोस टोटल इनकम की, तो यहाँ पर जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसने पहले से ही जो सैलरी की इनकम है उसको कैलकुलेट करके सेव कर रखा है। सबसे पहले सैलरी एग्जाम्पशन की बात करते हैं, तो यू आर एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर टूर ट्रांसफ़र मेंटेनेंस अगर ऐसा कुछ आपके लागू होता है तो वो आप इसको यस करके या फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रखेंगे। उसके बाद में जो अलाउंस है चिल्ड्रेन एजुकेशन हॉस्टल अगर आपके लागू होता है सेक्शन 10-14, तो आप इसको यस करके जो इनकम है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस यदि आप यहां से लेना चाहते हैं तो आप इसको भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद में यू आर एलिजिबल टू क्लेम लीव ट्रेवल अलाउंस, यदि आपके लागू होता है तो आप इसको यहां से यस करें और जो अपना क्लेम है वो आप यहां फिल कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी के अदर देन जो इनकम है आप वो यहां शो कर सकते हैं। जो भी केस आपको लागू होता है उसके लिए आप यस करके अपना जो इनकम है वो प्लस कर सकते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करें। यदि क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं।
तो यहाँ जो सारा का सारा डाटा है फॉर्म नंबर 16 से, आप वो मैच कर लीजिएगा। मैच करने के बाद में जो आपकी चार्जेबल इनकम है वो यहाँ से हो जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी से यदि कोई इनकम है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो इंटरेस्ट है सेविंग बैंक अकाउंट का, वो ऑटोमेटिकली जो बैंक जो डाटा है हमारा वो ऑटोमेटिकली ले लेता है पैन नंबर से, तो वो यहाँ पर 8,368 रुपये तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके जो नेट सैलरी है वो यहाँ से हो रही है। उसके बाद में यहाँ जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड कुछ इसमें है नहीं, तो ये यहाँ पर शून्य से हो रही है। इसके अलावा भी यदि कोई और इनकम हो तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में इसको कंफर्म करें तो यहाँ पर देखिए दो जो कॉलम है अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में कॉलम आता है हमारा टोटल डिडक्शन का, तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं। डिडक्शन के लिए भी हमसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर यू आर एलिजिबल टू क्लेम इन डिडक्शन। डोनेशन यदि कोई पे किया है तो आप इसको यहाँ से यस करके डोनेशन की राशि है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में कोई रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत कोई क्लेम है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। 80GG के जो क्लेम है उसको अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो इसको यस करें। उसके बाद में जो 150 की जो डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन वो आपको यहाँ से मिलेगी। डू यू एग्री विद दिस इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन सही है। 1.5 लाख रुपए की जो कटौती होती है। उसके बाद में जो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, यदि कोई योगदान दिया है 80CCD2 जो सेक्शन है उसके अंतर्गत, तो वो राशि आप यहां से फिल कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस यदि कोई है तो वो आप यहां से दिखा सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट और लोन जो हायर एजुकेशन के ऊपर यदि कोई लिया हुआ है तो उसमें यदि आप कुछ डिडक्शन हुआ है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, तो ये जो 80TTA है ये हम यहाँ से रिबेट लेने वाले हैं। जितनी भी हमारी जो कटौती थी सेविंग अकाउंट की वो हम यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर दी गई है। जो आगे सेक्शन आएगा वहाँ हम इसको फिल करेंगे। उसके बाद में कोई एनी अदर क्लेम है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में इफ यू जो सारी की सारी डिडक्शन है वो आपकी यहाँ से शो हो जाएगी। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट और सेविंग बैंक अकाउंट में जो राशि थी वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ से जो 80TTA की जो छूट है वो हमने यहाँ ले ली है, डिडक्शन दिखा दिया है हमारा सेविंग बैंक अकाउंट का। उसके बाद में इसको कन्फर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा जो कॉलम है वो भी हमारा ग्रीन हो चुका है। उसके बाद में कितना टैक्स हमने कटाया है, इस टैक्स की जानकारी हमने 26AS के माध्यम से भी ले ली है। आप यहाँ देख पाएंगे जो 16 नंबर फॉर्म में जितना टैक्स है वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसकी जो डाटा है वो मैं 26AS और जो फॉर्म नंबर 16 है उससे मैच यहाँ करूँगा। उससे मैच करने के बाद में इसको कन्फर्म हम कर देंगे। तो ये सारे के सारे डाटा है वो हमने फिल कर लिए हैं। उसके बाद में हमारा टोटल टैक्स पेड ये है और जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है वो इतनी बनती है। तो ये आपको जो कंप्यूटेशन है पूरी इनकम की ये टोटल शो यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ से आप सारे का सारा
टोटल इंटरेस्ट एंड फीस, टोटल टैक्स एंड फीस इंटरेस्ट सारा का सारा मिला सकते हैं, इसको कंफर्म आप करेंगे। तो यहाँ पर आपको 500 के 500 जो कॉलम है वो ग्रीन हो चुके हैं। अब आपको प्रीशीट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर यू आर एलिजिबल टू रिफंड ऑफ ए रुपये 15, तो जो 50 रुपये है उसका यहाँ रिफंड हमको मिल रहा है। नॉर्मली इतना जो रिफंड है वो एक्स्ट्रा हमको कटाना चाहिए, जिससे कि जो कैलकुलेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद में जो रिटर्न है उसकी समरी हमारे सामने ये मौजूद है, तो आप इसको एक बार देख लें, अच्छे से मैच कर लें, उसके बाद में ही जो प्रीव्यू है रिटर्न का वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू, यहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी आप इसका ले सकते हैं। सारा का सारा डाटा जो आपने फिल किया है वो यहाँ एक साथ आपको दिखाई दे जाएगा, और जो रिफंड था 50 रुपये का वो भी हमको यहाँ सेव कर रहा है। तो ये सारी की सारी रिटर्न एक तरीके से हमने फिलअप कर दी है। उसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन यहाँ हम तभी करेंगे जब हम कंफर्म हो कि हमारी जो डाटा है वो डाली है हमने वो सारी सही है। उसके बाद में वेरिफिकेशन के लिए हमको जो आधार है उससे हमको वेरीफाई कर देना है। उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये थी जो ITR है करंट सेशन के लिए, वो आप पूरी किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ।